रहे वफा पर अगर है चलना तो सर कटाना है शर्ते हुआ। अपने दीन, अपने वतन और अपनी नामूस को बुलंद उबाला रखने के लिए बड़े यकीन, हौसले और कुर्बानियों का अलम बुलंद करना पड़ता है। अपनी ख्वाहिशात, आरजुओं और उमंगों को कुर्बान करना पड़ता है। अपने आप को खाक में मिलाना पड़ता है। जुल्म के सामने खड़े होकर सच के लिए ललकारना बहुत बड़ा और अफजल जिहाद है। बातिल अपने इक्तदार को तवील करने के लिए सोने चांदी के ढेर लगा देता है, तरह तरह की पेशकश करता है कि किसी तरह वो इस जाल में फंस जाए। सर झुकाकर जीना सीख ले और आवाज, सच की आवाज को बुलंद ना करे, मगर सच के लिए अल्लाह पर यकीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अलाव अपने दिल में भड़काना पड़ता है। उसके लिए अपने खानदान, अपने अजीज व अकारिब, अपने खेश कबीले को कुर्बान करना पड़ता है। उसके लिए अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ता है, सूली पर लटकना पड़ता है, खाल खिंचवानी पड़ती है और करबला की याद ताज़ा करनी पड़ती है। और जब ये कुर्बानी कबूल हो जाती है तो सच बोलने वाले और सच के लिए लड़ने वाले की शहादत उसको अमर कर देती है। कुछ ऐसी ही कहानी रहे अहमद खान खरल शहीद की है। मेरी इस हिस्टोरिकल मेगा इंटरनेशनल ड्रामा सीरियल के लिए टाइटल सॉन्ग की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपने तमाम शायर दोस्तों को दावत दूँ कि वो इस बहुत बड़े इवेंट में अपना हिस्सा डालें और मेरे लिए इसका टाइटल सॉन्ग लिखें। पहले मैंने जो ये शेर पढ़ा कि रहे वफा पर अगर है चलना तो सर कटाना है शर्ते अव्वल, इसी लय पर, इसी ज़मीन पर खूबसूरत और कमाल किस्म के अल्फाज को तरतीब दीजिए कि इसे गाया जा सके, फिल्माया जा सके, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज होगा। इसमें कम से कम 5 अशार होने चाहिए और ख़ुसूसी तौर पर ये सुर और लय पर पूरा उतरे, इसे गाया जा सके, इसकी कंपोजिशन बनाई जा सके। आप ऐसा कर लें तो मुझे इनबॉक्स में मुतल करें और उसके बाद इस पे फिर आगे कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जा सकता है। शुक्रिया।